आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है यूपी के जनपद बलिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर की प्रतिमा का अनावरण किया और बलिया में लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सब्जियों के निर्यात, जिसमें बलिया का मिर्चा लेकर दोहा कतर के लिए जाने वाली ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर कार्यक्रम के तहत निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के औपचारिक तौर पर 10 महिलाओं में टूल किट का वितरण किया। उन्होंने 75 करोड़ की कुल 46 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से सुनील यादव की रिपोर्ट। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है। मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये। यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। अक्सर होता क्या है कि जब सब्जी अच्छी होती है तो मार्केट में, लोकल मार्केट में दाम गिर जाते हैं और कभी कभी किसानों को उस सब्जी को फेंकना पड़ता है, जब बिकती नहीं फेंकना पड़ता है, वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही सब्जी हमने प्रोसेसिंग करके, उसको पैकिंग करके और उसे वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर लिया, यहां से वो कार्गो से जाएगा, लेकिन अब तो हल्दिया से लेकर के वाराणसी के बीच इनलैंड वाटर वे यानी पानी के जहाज के माध्यम से जो बलिया होते हुए ही जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बलिया के पास भी अगर तमाम एफपीओज यहां के कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो तो यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक अच्छा कार्य हो सकता है। क्योंकि बलिया से एक और सरयू जी मिलती है, एक तरफ गंगा जी मिलती है और इसके बाद गंगा नदी में पानी की कमी नहीं है। इसके साथ ही आज यहां पर तमाम परियोजनाओं का, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि है, पर्यटन और सड़क से संबंधित परियोजनाएं हैं, इन सब के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। बलिया विकास की प्रक्रिया के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ एक प्रदेश का सीमावर्ती जनपद माना जाता है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। स्वाभाविक रूप से यहां का विकास हो, हजारों लोगों को यहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिलेगी। बलिया के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदेश और देश के किसी अन्य कोने में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया अपने नौकरी और रोजगार के लिए बलिया के अंदर आने के लिए मजबूर होगी। इस प्रकार की परिस्थितियां बलिया के अंदर पैदा करने की आवश्यकता। इस सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने के लिए 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 1 करोड़ श्रद्धालु का मतलब होटल का व्यवसाय भी खूब फला हुआ, टैक्सी वालों को रोजगार मिला, जितने रेस्टोरेंट थे उनको मिला और
साथ साथ जितनी भी दुकानें थी, मार्केट था, इन सबको भी मिला, गाइड को भी मिला, पंडों को भी काम मिला, हम तबके को काम मिला हुआ। एक साथ पूरी इकोनॉमी को बल देता है पर्यटन। और फिर वो बाबा कॉरिडोर के बारे में भी जो बात यहां पर जयशंकर जी ने और सांसद जी ने रखी है, और मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को इसका एक प्रस्ताव बनाना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, इस दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सरकार भरपूर मदद करेगी। दूसरा, दुनिया के सामने एक पहचान बनाने वाले जननायक चंद्रशेखर जी की इस प्रतिमा और भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने बलिया को एक नई पहचान दी थी। आजाद भारत में भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके अपनी एक नई पहचान बनाया। जिन्होंने मूल्य और आदर्शों की राजनीति तो की, लेकिन व्यक्ति की परवाह कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक, नेपाल हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, सर्वत्र बृहत्तर भारत में कोई ऐसा जगह नहीं जहां चंद्रशेखर जी के प्रशंसक मौजूद न हो। हर व्यक्ति के साथ संबंधों को बनाना और संबंधों का निर्वाह भी करना, मूल्यों की राजनीति की जब बात आती है, देश की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का कदम उठाने का साहस भी अगर किसी में था तो वह चंद्रशेखर जी में ही था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि न चंद्रशेखर जैसा सपूत इस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।